कटघा इंदिरा कॉलोनी स्थित प्राचीन श्री काली माता शिव हनुमान मंदिर में भगवान के परम भक्तों एवं क्षेत्रवासियों द्वारा सत्रश्री साईं बाबा के अष्टम जन्म दिवस को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हुए हवन पूजन कर संदेश दिया गया कि अगर हर सप्ताह लोग हवन पूजन करते हैं तो हवन कुंड से उठने वाली खुशबू से वातावरण शुद्ध होता है और हवा में तैर रहे प्रदूषित कीटाणुओं को नष्ट कर हमारे जीवन को स्वस्थ बनाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जहां महानगरवासी पौधारोपण करते हैं तो वहीं हमें हवन पूजन भी करना चाहिए। इस अवसर पर भगवान के भक्तों द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों से वातावरण गूंज रहा था और हवन कुंड से उठने वाली सुगंध से वातावरण शुद्ध हो रहा था। अनन को आँख दे कोड़ी को भाजन को कुछ दे निर्मन को माया सूर शाम चरण आए सफर की वो सेवा जय गणेश देवा माता रखो की लाज रखो शंभु सुत पारी कामना को पूरन करो जाऊ बलियारी आए सफल की वो सेवा सफल की इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुतियां देने के साथ ही श्री चरणों में जल्द से जल्द पूरे भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व से कोरोना महामारी के बीच को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रार्थना की गई। आज हमने साईं बाबा स्थापना दिवस मनाया है, ये नवा स्थापना दिवस है और इस उपलक्ष्य में हमने हवन वगैरह रखा था और जो देश में कोरोना महामारी फैल रही है उसको दूर भगाने के लिए और जो मतलब हमारा आदि की इच्छा है कि जो है हिंदू समाज भी इन बातों को माने और पूजा पाठ है हवन करें जो हमारी संस्कृति जी। और आगे से आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं अपील ये करना चाहती हूँ कि जो देश में महामारी फैल रही है इसके लिए जो है लोग मतलब थोड़ा सफाई का है और जो है अपना थोड़ा डिस्टेंस का है ख्याल रखें, मास्क पहने और जो हवन कथा हम लोग कर सकते हैं वो करें जी। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोभा है। मैम कौन सा क्षेत्र लगता है ये? इंदिरा कॉलोनी कटघर मुरादाबाद। मैम आज आपने कौन सा प्रोग्राम करा है? हमने यहाँ साईं दिवस साईं स्थापना दिवस मनाया था जो कि हमारा नौवां साईं स्थापना दिवस था। हमने सुबह हवन यज्ञ किया था सब लोगों ने मिलकर, इससे कोरोना ये चल रही महामारी जो चल रही है कोरोना की मुक्ति की। और बड़ी आगे और आप क्या अपील कर रही हैं? अब मैं यही मतलब कहना चाहती हूँ अपने हिंदू समाज से कि हम सब मिलकर अपने घर में ही थोड़ा परिवार में मिलकर ये सामग्री से थोड़ा सा लेकर अपने गूगल से और कपूर से थोड़ा हवन अपने घर में थोड़ी घर की शुद्धि हो जाती है सुबह शाम और इस महामारी से भी जल्दी से छुटकारा।